आज स्मॉल होम डिजाइन प्लान आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो इस डिजाइन के अंदर लेंथ इनटू ब्रेथ 21 फीट, 21 फीट बाई 23 फीट बिल्डिंग एरिया। इसके अंदर हमें होम डिजाइन रेडी करना है। तो स्मॉल होम डिजाइन प्लान के अंदर कुछ डोर एकदम सिंपल डिजाइन, एंड आप एंड एंट्री। तो उसके बाद इसके डिजाइन करने से पहले वॉल पार्टीशन वॉल एंड पार्टीशन वॉल के अंदर विंडो और वेंटिलेटेड एरिया ड्रॉ करने के बाद फाइनल डिजाइन रेडी करने वाले। ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा एक पोजीशन रहेगा। इसके बाद ऐसे वेंटिलेटेड एरिया एंड रेलिंग। तो डी फॉर डोर, D1 वेंटिलेटर एंड विंडो, किचन बाथ प्लस लैट विंडो बेडरूम ड्राइंग प्लस डाइनिंग। तो स्मॉल हाउस प्लान करने के लिए आपको किस टाइप का डिजाइन करना होगा, तो इसका एक जस्ट आइडिया प्रपोजल आपके साथ हमने शेयर किया है। स्टैंडर्ड साइज बेडरूम 12 फीट 3.6 मीटर एंड 13.9 इंच, 3.9 और उसके साथ 9 इंच, इसका मतलब 2 to 5 आपको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, टोटल इसमें। तो इसके बाद यहाँ पर 7 फीट 9 इंच, 2.1 मीटर प्लस 0.2 to 5 प्लस ऐड करना है। इसके बाद 4 फीट 1.2 मीटर, नेक्स्ट 7 फीट 9 इंच एंड लेंथ इनटू ब्रेथ लेंथ 9 फीट 4 इंच। नेक्स्ट
फीट 2 इंच, एंड 8 फीट, थ्री फीट, एंड 5 फीट। थ्री फीट एंड 3 फीट, टेड वाइड 10 इंच, एंड राइजर 6 इंच हाइट। कंप्लीट इसके अंदर इंटरनल मेजरमेंट, उसके बाद कॉलम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 numbers करो। वॉल 5 इंच, 125 mm, कॉलम 10 by 12 inch, टोटल कॉस्ट 21 into 23, 483 स्क्वायर फीट। कॉस्टिंग, बिल्डिंग कॉस्टिंग 8 लाख। तो आपको प्लान डिजाइन पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।